कंटिन्यू करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम मिला है। प्लस वह वीडियो थोड़ी खराब हो गई थी, टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ, थोड़ा टाइम में क्लास कर पा रहा हूँ, ट्राई करते हैं, ठीक है, जितना हो जाए। हमने तीन किंगडम कर लेते हैं ना, किंगडम प्लांटिस से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो रिसेंट जो किंगडम्स ऐड हुए थे वो तो हमने कवर कर लिया, लेकिन जो ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन थे यानी प्लांटी एनिमिलिया वो तो रह ही गए। तो प्लांटी को ज़्यादा भी कवर करने की कोशिश करते हैं, कि मैं एक्चुअली क्लास में आया था, वही मुझे 10-15 मिनट का टाइम मिला है, तो मैं क्लास कॉल है ना। किंगडम प्लांटी ये कैसा है, मल्टी सेलुलर काजोटिक, यूकाजोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक, यानी तीन पॉइंट तो आपको मिल गए। एकदम मल्टी सेलर होता है ये, यूकैरियोटिक होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। मल्टी सेलर मतलब सिंगल सेल नहीं होता है, यूकैरियोटिक मतलब क्या आपका ये क्या कहते हैं मेम्ब्रेन्स होता है, सब मेम्ब्रेन होते हैं इसके अंदर अलग से। और ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना ये खुद बनाते हैं, लिखा हुआ है ये, ठीक है। फिर कह रहे हैं किंगडम प्लांटी को ना फर्दर फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो फाइव पार्ट कौन कौन से हैं, एल्गी जिसको थैलोफाइटा बोला गया है, मॉसेस जिसको ब्रायोफाइटा, फंस टेरिडोफाइटा जो भी उसको प्रोनाउंस करो, पाइन, जिम्नोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स है ना। तो फाइव कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, पांचवी को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। थैलोफाइटा इंक्लूड्स मल्टी सेलर एल्गी। देखो अब एक चीज़ तो ध्यान रखना, सर आपको याद करना है कि मल्टी सेलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना। पेरेंट कैटेगरी कौन सी, यानी बड़ी कैटेगरी क्या, प्लांटे। प्लांटे के अंदर ही पांच कैटेगरी सब डिवाइड होकर आ रही है, ठीक है। मतलब प्लांटे के पास अगर तीन फीचर्स हैं तो ऑब्वियस बात है कि नीचे वालों के पास तीन फीचर्स होंगे, तो आपको उनमें अलग से याद करने की जरूरत है नहीं। नीचे जितनी पाँचों कैटेगरी आई हैं वो सारे मल्टी सेलर होंगे, वो सारे ऑटोट्रॉफिक होंगे, सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। इनको याद करने में, इन चीज़ों को याद करने में टाइम न देना, ठीक है। हाँ ये क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, इसके एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, सी बीड्स, कैल्प्स, ठीक है। ये थैलोफाइट्स और ऑटोट्रॉफिक नहीं याद करना, क्योंकि तो उनके पास क्लोरोफिल होता है, दे हैव थैलोसिलिक बॉडी, याद रखना उनकी बॉडी थैलोसिलिक होती है, इसलिए उनको थैलोफाइट बोलता है। तो थैलोफाइट थैलोसिलिक बॉडी का मतलब क्या है, थर्डोसिलिक बॉडी मतलब उनकी बॉडी ऐसी है कि उनके अंदर रूट कहाँ है, रूट्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी जनरली प्लांट एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक्वेटिक पानी में रहने वाले होते हैं, बेसिकली पानी में होते हैं ये। दूसरा है ब्रियोफाइटा, इसके एग्जाम्पल दे रहे मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स, है ना। तो प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर ऑटोट्रॉफिक, ऑब्वियस सी बात है, एंड हैव अ प्लांट बॉडी दैट लैक्स टू रूट्स। इनके अंदर टू रूट्स की कमी होती है, इनके अंदर टू रूट्स नहीं होते, ना स्टीम होते हैं, ना लीव्स होती है, बल्कि इन तीनों, ये तीनों चीज़ तो होती नहीं, इन तीनों चीज़ों की तरह एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रिजॉइड्स, कॉलिड, ठीक है। इनके पास रूट, ठीक है, इनके पास रूट ही होती है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रिजॉइड्स। इनके पास स्टेम नहीं होती लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कॉलिड। इनके पास लीफ नहीं होते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलेट्स, है ना। पटेरिडोफाइटा इट इंक्लूड्स ऑल फन, जितने फंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। प्लांट्स, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, मेरे को डर लगता है टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, पूरी मेहनत में करता हूँ रिकॉर्डिंग फिर कैंसिल हो जाती है। चलो करते हैं, प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ प्लांट बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट्स एंड हो। ऊपर आपने पढ़ा था ये वाला थैलोफाइटा, इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वाले में पटेरिडोफाइटा में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो रूट्स को, स्टीम को, लीव्स को अलग से, है ना। और जो लीव्स होती हैं दे आर ऑफन मेड ऑफ लीफलेट्स ही, और जो जनरली लीफलेट्स से बनी हुई होती हैं, बेयरिंग स्पोर्ट्स ऑन द अदर साइड, उनकी नीचे की तरफ स्पोर्ट्स होते हैं। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, इनमें फ्लावर्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स एग्जाम्पल साइकास, पाइन, फेथ है ना, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये प्लांट बियर नेक्ड सीड्स होते हैं, मतलब दिस द प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स, इनमें नेक्ड सीड्स होते हैं। नेक्ड सीड मतलब क्या, ये किसी फ्रूट नहीं होते हैं,
ना, क्योंकि नॉन फ्लाइंग प्लांट्स होते हैं ये भी। जिम्नोस्पर्म्स बियर सीड्स इन स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्स। इनमें जो सीड्स होते हैं वो जिस जगह पे होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स। फ्लावर्स के अंदर नहीं होते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर होते हैं, होते हैं उनको वो जगह पे होते हैं, उनको वो जगह पे होते हैं कॉन्स। दे बियर बोलते हैं, इनके पास मेल और फीमेल दोनों तरह के कॉन्स होते हैं। मेल के अंदर पॉलन ग्लैंड्स होते हैं और फीमेल के अंदर ऑव्यूल्स होते हैं। दे मे बी अदर ट्री और फ्रूट, या तो पेड़ हो सकते हैं लंबे झाड़ियाँ भी हो सकती हैं ना। ये दो तरह के होते हैं, साइकस और कॉनिफर। सर ये क्या होते हैं ये डिटेल में क्लियर नहीं किया गया। एंजियोस्पर्म्स हम यहाँ मोनोकोट। द प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप ऑफ बियर सीड्स हैविंग ओनली वन कॉटलीडन। इसके अंदर केवल एक कॉटलीडन होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मोनो होता है टू। इतना को होता है टू, इतना को बता भी चुका हूँ यहाँ पे, होते हैं टू कॉटलीडन। द लीव्स आर पैरेलल वेनेशन, इनका पैरेलल वेनेशन होता है। एंड द रूट सिस्टम इज फाइबर, फाइबरस रूट सिस्टम मतलब फाइबर्स होता है। एग्जाम्पल इसका मेज और राइस और ग्रास। यहाँ पे द लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, क्या होता है तो आइडिया मुझे भी। एक टेप रूट सिस्टम, इनका टेप रूट सिस्टम होता है। एग्जांपल पी पोटैटो एप्पल संतरा रोज एट्सेट्रा है ना। बस यहीं तक करते हैं, बाकी बाद में करेंगे।